अब हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 गवर्नेंस का 2013 से क्वेश्चन देखते हैं फटाफट द प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज रिजल्टिंग इन ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज स्टैंड एंड द की फॉर द मर्जर ऑफ द टू रेगुलेटरी एजेंसीज नेमली सेबी एंड आईआरडीए जस्टिफाई मतलब इसने क्या बोला कि

एक ना फाइनेंस मतलब एक फाइनेंशियली रिफॉर्म लेजिस्लेटिव कमीशन बैठाई गई थी जिस पे रिफॉर्म के ऊपर उन्होंने बात करना था कि हम फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म कर सकते हैं वहां से इसको उठाया गया इस क्वेश्चन को वहां से उठा लिया क्वेश्चन और इसका यहाँ पे हमें लिखना था तो अभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा अटपटा लगे बट सच्चाई क्या है सच्चाई ये है कि क्वेश्चन उठाया गया करंट अफेयर से तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है ये चीज आ गई क्वेश्चन में अभी मैं बताता हूँ अभी ज्यादा इसको पीडीएफ में आप पढ़ लेना पूरी डिटेल में बट वैसे जितना बताऊंगा ना उतना मोर देन सफिशियंट है इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे ये देखो एक है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या करता है ये जो भी अपना ऐसी चीजें हो गई ना कि शेयर जो शेयर मार्केट वगैरह बोलते हैं अपना बॉन्ड मार्केट है इन चीजों को पूरा रेगुलेट करता है ये पूरी शेयर जो मार्केट है से उन चीजों को स्टॉक बेसिकली उन चीजों को ये अपना रेगुलेट करता है कि भैया यहाँ पे दो चार नंबर ही नहीं होना चाहिए ऐसे ही अपना इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आई आर डी ए वो अपना इंश्योरेंस वालों को जो भी इंश्योरेंस दे रहे हैं ना मतलब बैंक्स वगैरह जो दे रही है उनको रेगुलेट करता है कि आप इंश्योरेंस फ्राम है हेल्थ जो भी है हर जगह आप रेगुलेट करता है बट अभी हो क्या रहा है जो फाइनेंशियल वाले है ना वो वाले तो इंश्योरेंस भी देने लगे उन्होंने अपना दायरा बढ़ा लिया और ऐसे ही जो अपने इंश्योरेंस वाले थे ना वो फाइनेंशियल वो देने म्यूचुअल फंड्स वगैरह तो अभी दिक्कत क्या हो रही है कि ये वाला जो एरिया था जो सेबी को कंट्रोल करना था अब उसमें तो भाई क्या हुआ दूसरे वाला एरिया दूसरे इंश्योरेंस वाले भी घुस गए ऐसे इंश्योरेंस वाले में शेयर मार्केट वाले घुस गए म्यूचुअल फंड वगैरह का नाम लेके तो दिक्कत क्या हुआ कि एक दूसरे को उसके ऊपर लगे रहना कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इन्हीं चीजों को लेके फाइनेंशियल रिफॉर्म कमीशन बनाई गई और जो कि देखने वाली थी कि ऐसे क्या रू, रूल्स बनाए जाए कि आपस में हो जाए तो मल्टीप्लीसिटी होगी ना वहां पे लूप होल बनेंगे ही बनेंगे बट अब एक मजे की बात आप ये देखो ये 2013 का क्वेश्चन आज 2023 है 24 आने को है तो ये बताओ कि आज तक ऐसा हुआ है कि दोनों एक मिक्स हो गए हो एक में ही। नहीं हुआ ना तो ये कहने में और सुनने में ना बहुत अच्छा लगता है कि भाई दो है मर्ज कर दो बात खत्म नहीं भाई इतना आसान नहीं है आपको करना क्या पड़ेगा टाइम लेना पड़ेगा और चीजों को ना आराम से शांति से ये, मतलब स्टेप बाई स्टेप सोर्टेड करते चलना है ना कि मतलब एक होता ना कि एकदम बोस को ही गिरा दो बड़े वाली कुर्सी को नहीं भाई साइड में चाणक्य की ना एक एपिसोड था उस टाइम पे आता था बहुत पुराना है उसमें क्या हुआ कि चाणक्य ने ना चंद्रगुप्त को लेके सीधा मगध पे आक्रमण कर दिया पर क्या किया बिल्कुल एकदम दशानंद था ना उस नंद जो दशानंद वाला नंद उसका डायनेस्टी का दशानंद उसको मारने की तैयारी कर ली उन्होंने अटैक कर दिया वो बिल्कुल बुरी तरह फेलियर हुआ तो क्या हुआ तब भाग लिए मुश्किल से एक झोपड़ी में रहे झोपड़ी में एक माँ है ना वो बच्चा खाना खा रहा था और उसने बिल्कुल अपनी जो खिचड़ी टाइप का कुछ रहा होगा उसमें हाथ लगा दिया बीच में और हाथ जल गया वो एकदम कूदा तो उसकी माँ बोलती है कि इतना बुद्धू इतना भी नहीं पता है क्या साइड में से खाना स्टार्ट कर साइड में ठंडा होगा बीच में हाथ नहीं डालते तो चाणक्य को रिलाईज हुआ कि भाई एकदम हमने भी जो सेंटर पे अटैक किया है ना वो गलत किया पैरी फेरी पे अटैक करते तो ज़्यादा बेटर रहता ऐसे ही हमें क्या करना है एक दो में होता ना कि आर डी आई आर डी ए को और सेबी को मिला दो ये कर दो वो कर दो ना भाई स्टेप बाय स्टेप कि भैया इनके जो सेगमेंटेड हैं इनको सॉर्ट किया जाए और एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन अच्छे बढ़ाई जाए जिससे आगे दिक्कत ना हो बस रिफाइन कर दो थोड़ा उसमें फेयरनेस ले आओ ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी वो वाली चीज तो आपको तड़का लगा ही देना है तो बेसिकली ये था क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था और करना क्या था करना कुछ नहीं था बिल्कुल आराम से पढ़ लेना था क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना था क्वेश्चन में ही सारी बात बता रखी है और जस्टिफाई जो आपको लगे ना जस्टिफाई का ना एक बेनिफिट होता है आप ना इसमें हा और ना दोनों में जवाब दे सकते हो तो आपकी मर्जी थी कि भैया कर देना चाहिए तो बता दो रीजन नहीं कर देना चाहिए तो बता दो कर देना चाहिए तो उसका वही रीजन है कि भैया डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे एक ही अथॉरिटी होगी वो ये सब कुछ हैंडल कर लेगी और नहीं कर देना चाहिए उसका क्या है कि भैया दो अथॉरिटी अपना अच्छा काम करने लग रही है और बस इनका ना रिफाइन करने की जरूरत है एक सेच मतलब एक सेपरेशन लेके आने की जरूरत है वो सब कुछ ठीक हो जानी है कुछ इस टाइप की बात लिख देनी थी बात खत्म हो जाना था क्वेश्चन आसान था करंट अफेयर से मोटिवेटेड था वहाँ से आइडिया मिला था तो आपको इस हिसाब से कर लेना चाहिए था तो इन्जॉय द जॉय ऑफ लाइफ